જય ભગવાન કોઈ ભી પૂજા કરકે ભગવાન કો અર્પિત કરને કી હમારા કામ ભી અચ્છા કિયા ભગવાન કો અર્પિત કરને કી આજ મેં સદબુદ્ધિ દી તો આજ મેં અચ્છા કામ કિયા હૈ ભગવાન તેરી પ્રેરણા સે કિયા હૈ ઇસીલિયે મેરી કામ કો ઇસી તરહ ઓર અચ્છે કરાતે રહેના મુજે ઇતની પ્રેરણા દેતે રહેના સમજ ગયે સબ બોલેંગે તો મેરા હૈ મેરા હૈ મેરા મેરા ભગવાન બોલે તેરા કુછ ભી નહીં હૈ સબ મેરા હૈ સમજ ઓર સમજ કે અગર દે હી દે તો વો સબસે ઇન્ટેલિજન્ટ આદમી હૈ सब समझ के वो दे दे तो सबसे इंटेलिजेंट आदमी समझ में आ रही है तो चलो अब हम गणपति की पूजा के बाद दूसरी पूजा में जाएंगे थोड़े पार्ट आगे भी खरीद खींच लो थोड़े पार्ट आगे आगे और फूल की थाली आगे लो फूल की थाली आगे लो और दूसरे पार्ट के ऊपर आ जाइए हाँ आप वही पार्ट में बैठी रहिए वही उसमें हम कलश पूजा करेंगे देखो कलश सामने रखा हुआ है वो कलश को उठाओ और थाली में रख दो थाली वाली थाली में रख दो चलो कलश की पूजा हम पहले क्यों करते हैं पहले तो ये जान लेना चाहिए बरोबर है हम कोई काम क्यों कर रहे हैं पहले जानना चाहिए और फिर वो जानने के बाद वो काम करना चाहिए चाहे कोई भी काम हो पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं फालतू तो समय नहीं घुमा रहे हैं पहले पूछने का आयुष ये तो फालतू समय तो नहीं बिगाड़ रहा है आए अंदर का आयुष बोले हाँ तो दर्द उसको छोड़ थाई में रख दे समझ में आ रही है राजेश श्री आयुष प्राची पायल अपने आप को अंदर से पूछने का काम गलत हो रहा है मैं फालतू समय बिगाड़ रहा हूँ तो उसे चैप्टर क्लोज बंद के बाजू में रख दो अपने काम की चीजें ही करो कोई भी पूजा हो रही है कोई तुम खाना खा रहे हो तो खाना किससे बनाया क्या है उसे हेल्थ हमारी कैसी रहेगी उसका भी ध्यान देना चाहिए समझ में आ रही है नौकरी में काम करने जा रहे हैं तो कोई भी नौकरी नहीं करनी है गधा मजूरी नहीं करनी है वो काम क्या है उसे पहले समझ लेना चाहिए फिर नौकरी में जाना चाहिए ये सारी छोटी छोटी बातें समझने जैसी है हम समझते कुछ नहीं है ऐसे ही गधा मजूरी के माफिक काम करते हैं फिर उसका रिजल्ट जीरो डबल अंडे बड़े बड़े छोटे नहीं बड़े अंडे कितने कितने बड़े अंडे तो हमें अच्छे बात से लेने हैं तो हमें वो काम को समझना पूजा है तो पूजा को भी समझना विष्णु भगवान तुम्हारे सामने कलश के अंदर रखे गए हैं वो कलश के अंदर ऊपर जो नाड़ है भगवान विष्णु है कलश के अंदर भगवान विष्णु दान की शैया में सोए थे एक हाथ में शंख था एक हाथ में चक्र थे नाभि में से कमल निकला था कौन बैठा था ब्रह्मा जी बैठे थे बराबर और एक हाथ में शिवलिंग भी था यानी इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता इसमें बैठे हैं समस्त देवता और ये किसमें बैठे हैं ये जो पांच पान है ना ये पांच पान का हमने कमल बनाया ये कमल काय का है चार वेदों का है रुद्रवेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद भगवान ये सब वेदों के ज्ञाता है तो भगवान किसमें बैठे हैं ज्ञान के कमल में बैठे हैं किसमें बैठे हैं भगवान ज्ञान के कमल में बैठे हैं इसीलिए भगवान ज्ञान से पूजा करे समझ के पूजा करे तो उसको जल्दी रिजल्ट देंगे जो मूर्खों की तरह ऐसा ऐसा पूजा करता है भगवान तीनों देवता हमारे अंदर क्या क्या देते ब्रह्मा और सरस्वती अभी बुद्धि और ज्ञान देते हैं वो जन्म देने वाले भगवान वाले से दूसरा हमारा पालन पोषण करने वाले भगवान है विष्णु भगवान विष्णु और भगवान धन यानी विष्णु भगवान की जो पूजा करेगा उसको लक्ष्मी मिलेगी समृद्धि मिलेगी नाम मिलेगा प्रतिष्ठा मिलेगी यश मिलेगा जिसकी शादी नहीं उनकी शादी होगी
जिसके बच्चे नहीं उसको बच्चे होंगे सत्यनारायण भगवान यानी विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान यानी विष्णु भगवान वो तो हमने कलश के आजूबाजू चार केले के खान गला गला के दो विष्णु भगवान ऐसा नहीं हो घर पूजा में विष्णु भगवान की पूजा होगी तो ये विष्णु भगवान हमें धन संपत्ति समृद्धि सब देते हैं और तीसरे भगवान कौन है शिव जी शिवजी हमें क्या देते हैं मोक्ष और त्याग हमारे पास जो कुछ है हमें अपने भाइयों में अपनी बहनों में अपने लोगों में कुछ बांटना भी चाहिए समझ में आई कुछ धर्म कर्म करना चाहिए और हमारे पास त्याग की भावना होनी चाहिए वो शंकर भगवान हमें देते जैसे मैंने संसार को बचाने के लिए जहर पी लिया तुझे वैसे जहर के घूट नहीं पीने ओरिजिनल नहीं तो मर जाओगे समझ में आई अपने लोग थोड़ा ताना फाना कुछ मारेंगे तो कभी कभी इग्नोर करना पड़ेगा समझ में आई इग्नोर करना पड़ेगा किसी किसी चीज को भूलना पड़ेगा अगर तुम नहीं भूल रहे हो तो ओरिजिनल जहर पी रहे हो समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है पंडित जी समझाओ बरोबर यानी कभी कभी अपने लोग अगर हमें कुछ कुछ चीजों के लिए टोकते हैं कुछ करते हैं उंगली करते हैं तो ठीक है भाई कुछ की इच्छा है करने दे समय में वो भी समझे मैं भी समझ में जाऊंगा बरोबर तो हमें तीनों भगवान के गुण हमारे अंदर आने चाहिए और हमारे जिस तरह ये देवता मिलजुल के साथ में रहते हैं तो हम भी अपने घर के अंदर सब लोग का विचार अलग अलग होते हुए भी हम मिलजुल के साथ में रहेंगे और हम सबका एक ही निर्णय होगा और जब सब लोग का निर्णय एक होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा समझ में आ रही है तो तीनों भगवान साथ में मिलके बोलते तुम भी साथ में रहो और अपनी जिंदगी को बेटर बनाओ चलो हाथ में फूल जाओ और विष्णु भगवान का ध्यान करो ओम विष्णुवे नमः विष्णु भगवान के हाथ में क्या था शंख चक्र गदा पद्म या तो विष्णु मुरली घर को देखो या तो राम को देखो आठ मंत्रों सामने दिखना चाहिए मंत्र बोलो इदं विष्णु चक्र मेत्रे धारण ददे पदम महामूढमस्यं सुते स्वाहा ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः Oh,
يا هادي بجود داري بانتو سورجو جوتي سوا
फल को धोना है, फल को धोड़ो भगवान सत्यनारायण भगवान को, सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान को हम भोजन दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं और भगवान तुम्हारा फल खाएंगे, अच्छे फल खिलाओगे, मन पूर्वक श्रद्धा पूर्वक खिलाओ तो भगवान भी तुमको अच्छा फल देंगे। चलो आप बन करो सामने, कृष्ण भगवान को देखो, राम को देखो, विष्णु भगवान को देखो, भगवान खुश है कि बन्ना ने पहले से ही मेरे लिए तैयार रखा है। चलो ओ भूंगी भूम महादिव्यम नागवल्ली भगवान को मुखवास के लिए बेस्ट पान खिलाया, सुवर्ण भस्म वाला बरोबर केसर युक्त पान खिलाया, भगवान खुश हो गए।
और भगवान को हम थोड़ी दक्षिणा देंगे, थोड़े चावल लो और दक्षिणा मंत्र बोलो पंडित जी। ओम दिमाग रहेगा, आगे दूर रखो अपनी अगरबत्ती, अपने दूर रखो। चलो दक्षिणा रखी, अब हम भगवान की आरती उतारेंगे। ओम ह्रीम रत्ने ज्वाला मालिन्ये नमः नमः। चलो चलो ओम, चलो आरती उतारना शुरू करो। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे पावे तो कभी न से मन
जय। सब भगवान को आरती दिखाइए, आरती दिखाइए और खुद आरती ले लीजिए। आत्मा जय मारती सतह शीतलीकरणं देवता पुष्पभिवन्दनं मा स्वात्मारोग्यार्थे वन्दनं वन्दनं मन्त्रं प्रति वन्दनं मनवं मा। हाथ धो लीजिए, हस्तौ प्रक्षाल्य और भगवान से भगवान का मंत्र करते वक्त भगवान विष्णु हमें धन संपत्ति समृद्धि यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा हमें देना और हमारे जीवन में हमेशा हमें आगे बढ़ाना। हे ब्रह्मा जी हमारे संतानों को सदबुद्धि देना। हे शिव जी हमें मोक्ष की भावना देना। सब भावना आप अंदर बोलोगे और हम संयुक्त रह के हमारा जीवन अच्छा व्यतीत करे ऐसी हमको सदबुद्धि देना। ऐसी प्रार्थना करो। श्रेष्ठ बैठ जाओ। वैष्णवी नमो वैष्णवी नमो वैष्णवी नमो बोलो वैष्णवे नमः। कलश मुखे विष्णु कंठ
padava
سين سمانتا ستتبا برغدا بياكتر تمبسانا पावन करे कासे पुराधेश्वरे विश्राम देह कृपा वलंबन करे माता पुरेश्वरे ओम भगवते साम सदा शिवाय उमा महेश्वराय नमो नमः क्या करो हे ब्रह्मा और हे सरस्वती हमें सद्बुद्धि दो सद्विचार दो क्या दो सद्विचार छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं तो बुद्धि कौन देगा सरस्वती माता देगी कौन देगी बरोबर है तो सद्बुद्धि दो सद्विचार दो अच्छे संस्कार दो अच्छे ज्ञान दो और सही समझ दो सही समझ कौन देता है ब्रह्मा और सरस्वती अगर हमारे में बुद्धि नहीं होगी समझ शक्ति आएगी नहीं और समझ शक्ति नहीं आएगी तो निर्णय शक्ति भी गड़बड़ होगी और निर्णय शक्ति गड़बड़ होगी तो पूरी जीवन की भेड़ बच जाएगी बराबर है तो अच्छी बुद्धि अच्छे विचार अच्छे ज्ञान अच्छे शब्द अच्छी वाणी ये सबके कारण कौन है सरस्वती बात चलो सरस्वती को हाथ जोड़ो प्रार्थना करो ओम वीरनाथ देव विपुल मंगल दान शीले भक्तार्थनाथ निवृत्त हरीश वंदे कीर्ति प्रदेत खिल मनो रथ दे महार है ओम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता सुरवन्तु देव्यस्तवये वेदये सांग पदाक्रमोपनिषदये गायन्ति आशामिगा विचार सार परवा माद्याम जगत व्यापिने वीरा पुस्तक धारिणी न भयता जाड्यांग तारा पहा हस्ते स्फाटक मालिकां विदधते पदवासने संसिता वंदे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धि प्रदान ब्रह्मा सृजने नमो नमः ब्रह्मांडे नमो नमः ब्रह्माभ्याम नमो नमः लो ब्रह्मा सृजने भगवान की जय चला दीजिए तीनों देवताओं ने हमें अपने सद्गुण बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया अब तीनों भगवान बोलते हैं तुम्हें अच्छी बुद्धि दूंगा मैं तुम्हें अच्छी धन संपत्ति दूंगा मैं तुम्हें अच्छा एजुकेशन दूंगा जिसको अच्छा पति नहीं है उसको मैं अच्छा पति दूंगा जिसको अच्छी पत्नी नहीं है मैं उसको अच्छी पत्नी दूंगा पर तुम्हें कर्म भी तो करने पड़ेंगे कि मैं कुछ नहीं कहूंगा यही बैठा रहूंगा बस मैं यही बैठा रहूंगा तो भगवान बोले डाटा भाई मैं पड़ गया मैं भी कुछ काम करने वाला तो भगवान ने क्या कहा है
काम तो करना ही पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। स्कूल जाए बिना रिजल्ट पास हो सकता है नहीं, तो स्कूल में जाना तो पड़ेगा। स्कूल में जाने के बाद घर में भी एजुकेशन लेना पड़ेगा। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है उनको भी घर जाके शादी करके उसे अपना कर्तव्य निभाना होगा। उसे अपने घर दूसरे घर जाके उसे दूसरे का घर ना मानते हुए अपना घर मानना होगा। और घर में जो भी लड़कियों की शादी होने वाली है उसके घर में झाड़ू पोछा भी करना पड़ा तो करना पड़ेगा। लाठी मारनी तो करनी पड़ेगी, खाना बनाना तो बनाना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ी ऑफिसर ग्रेड की वो है तो कभी कभी बनाना, मगर करना तो पड़ेगा। समझ में आ रही है? कितनी भी ऑफिसर क्यों ना हो पर उसको करना पड़ेगा। अगर उसने कर्तव्य से अपने हाथ धो बैठे तो फिर से घर से आने के वापस 100% चांसेस है। क्योंकि पंडित जी आपने विवाह किया कुंभ विवाह और वो तो घर पे आई नहीं, कुछ काम नहीं करना है यार। हाथ श्री रामचंद्र जी मी काय काय नहीं करना, मारा नहीं जी मैं कुछ करूंगी नहीं। और लड़के को भी शादी करने के बाद अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। वो पत्नी को लाया है तो उसकी सारी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी, बरोबर है? साथ में माता पिता सभी की विशेष जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। अगर नहीं किया तो जय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बरोबर। इसे छोटी जात में स्वर को समझ जाओ। हाँ, तो हम अपने कर्म के लिए हमें भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा यानी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग ऐसा बैठते हैं वो लोग जल्दी भाग सकते हैं, जो लोग ऐसा बैठते हैं वो जल्दी भाग सकते हैं, और जो लोग ऐसा बैठते हैं वो जल्दी नहीं भाग सकते, उसको थोड़ा टाइम लगता है। परंतु हनुमान जी ऐसे ही बैठे, बोलते राम आज्ञा दो, प्रभु राम मुझे आज्ञा दो, मैं ऐसा भागूंगा और आपका काम एक झटके में करके आऊंगा। समझ में आई? तो कलश को लेके यहाँ यहाँ लगाना है, हृदय पे लगाना है, मस्तक पे लगाना है। समझ में आ रही है ना? सुनो क्या करना है। हे भगवान तीनों देवता मेरे बाहुबल को मजबूत बनाओ, मैं अच्छे काम करूं। क्या करूं? हाथ काम नहीं करेंगे, मी काम करना नहीं तो क्या होगा? टीचर लोग छोटी मार मार के हाथ सुझा डालेगी, और घर वाला होगा तो पत्नी की घर उसके हाथ से ज्यादा देखा। समझ में आ रही है? हाँ बेटा, शादी होने के बाद वो सब करना है, जरूरी है, बरोबर है? और पढ़ाई अच्छी, और इससे ये पूजा से ये सीखना है कि मैं हर काम अच्छा तरह से करूंगा, चाहे नौकरी करूं तो, चाहे बिजनेस करूं तो, चाहे कुछ भी। ओके, पहले हाथ मजबूत बनने चाहिए, मस्तक को लगाना, भाग्य बलवान बनना चाहिए। कोई भी काम में हृदय पूर्वक करूंगा, किसे करूंगा? सच्ची लगन से करूंगा, बरोबर। चलो तो ऐसे बैठ जाओ, तो? चलो वीरासन में बैठ जाओ। हाँ चलो एक पैर आगे। हाँ हाँ, और इसे क्या करना है? भागना सीखना है, भाग नहीं जाना है। बात मत जाना है, सीधा रख एकदम ऐसा। हाँ बस बस, हनुमान के रख पैर दिखा के रख, ऐसा ऐसा वो आगे पैर रख, ये आगे रख, थोड़ा आगे रख, थोड़ा आगे रख। हाँ बराबर है। हाँ युक्ति बजे। हाँ बस बस बस, वो पैर ये आगे अच्छे का, तो भी चले रखो। ए बेटा ए, यहाँ देखो ये पैर नहीं, ये पैर आगे का, यहाँ देखो बेटा आगे। ओके, यानी सुनो सुनो सुनो, इसका बैठने का मतलब ये है कि मैं हर काम भाग के झटपी झटपी करूंगा, ठंडी चाय के वफिक नहीं करूंगा, अच्छी तरह से करूंगा, जल्दी करूंगा, बरोबर। इसका मतलब भी ये है, समझ जाओ। वरना तुमको कहा पेन लेके आओ तो आधे 15 मिनट के बाद पेन लेके आएगा, फिर वो बोले वो इसे अपना बैठना अच्छा है। समझ में आ रही है? लड़कियों की शादी हो गई तो टाइम टू टाइम हो, परफेक्ट समय पे काम किया तो वाह अच्छी है,
लड़का अच्छा है परफेक्ट है ये सारी पूजा ये पूजा में सीखना है हमें हमने पूजा की जय सियावर रामचंद्र की जय ऐसा नहीं होता है ओके चलो पढ़ा सुधा हाँ ऐसा कमर बना हाथ का कमर बना नहीं नहीं इसको पकड़ दो कड़स को पकड़ लो उसका हाथ का कमर बना दो अरे वारे वो देखते हैं छोटा जीव भी है बहुत पावन है बूटा नहीं पकड़ बराबर बैठ हाँ चलो दोनों हाथों पे लगाओ और बोलो मेरे थाली में रखिए उन्हें फिर उठाइए वंदे देव महापते सुर गुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नग भूषण मृगधर वंदे पदोनापते जो लोग आए हैं उनको वधु कोई नहीं है तो चलो सीधे पाठ के ऊपर रख दो पाठ के ऊपर रख दीजिए पाठ के ऊपर रख दो पाठ के ऊपर जहाँ से पाठ के ऊपर पहले पाठ के बाद ऊपर ही रख दो बस 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 तो चलो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश ने हमें सद्बुद्धि दी सद्विचार दिए अच्छा कमाना दिया और अच्छे कर्म करने को कहा तो लड़की लोग को समझ जाए किसी के भी घर जाके हमें अच्छी बहू बन के दिखाना है अपने काम को अच्छी तरह से करना है बरोबर है देखो कितना भी पढ़ना लिखा क्योंकि हम इंडियन कल्चर में जी रहे हैं कौन से कल्चर में इंडिया इंडिया में इंडिया की बहु ज्यादा वेस्टर्न कल्चर में भी जो भी हो स्त्रिया लोग जो घर में रहती है वो खाना बना बनाएगी नहीं करती है बहुत बड़ी ऑफिसर है तो ठीक है घर पे नौकर भी रहते हैं तो भारत में नौकर भी नहीं मिलते फॉरेन में नौकर भी नहीं मिलते हैं हमारी बहन है डॉक्टर है एमडी गोल्ड मेडलिस्ट है भावना रावल जिसका नाम भावना रहने मेरी चाचा के लिए सखी बहन गोल्ड मेडलिस्ट मालूम पड़ता है एमडी पेडियाट्रिक्स डॉक्टर बहुत बच्चों की बहन परंतु उसे 1995 में मंचूरियम वेज मंचूरियम कैसे बनाया उसको समझ में आता था वो इतनी बड़ी डॉक्टर थी उसके हाथ के नीचे 32 डॉक्टर थे और वहां भी जाके उसको डॉक्टरी पढ़नी पड़ी और डॉक्टरी पढ़ने के बाद उसके खुद के हॉस्पिटल है समझ में आ रही है तो भी वहां नौकर नहीं मिलते तो उसको ही खाना बनाना पड़ता है
لاکھوں روپے کی آوک ہوگی تو بھی چوکر بھائی آتے رہتے ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا پگار ہی اتنا لیول کے کہ پوچھو مت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں اپنا کام بہت اچھی طرح سے کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اوکے یہ پوجا کے ہم سیکھے. اب ہمیں پھر سے کھما مانگنی ہے. پھر سے چاول لو کھما مانگ لو. پھر سے بولو ہے بھگوان جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں کھما کر دینا کھما کر دینا کھما کر دینا. اور ہے بھگوان آج کی پوجا کے بعد اگر مجھے اچھی پڑھائی میری ہونے لگی, میں اچھا پڑھائی ہونے کے بعد بہت بڑا آدمی بن گیا, دھنوان بنوں گا, بہت پیسے والا بنوں گا یا اپنے کرم میں سفل ہو جاؤں گا, تو بھگوان یہ پوجا دوبارہ میں بار بار کروں گا اور اسے بھی اچھی طرح سے کروں گا. آواہن نے جانا می نم جانا می تو پوجا چند جانا می چمتا گتم پاپم گتم دکھم گتم داریدرمیو چ بھگوان. پھر سے ہم آگے بڑھ گئے, بہت اچھے ہمارے کرم ہونے لگے تو ہم اور اچھی طرح سے پوجا کریں گے. یہ ہم آپ کو وچن دیتے ہیں. بولو وشنو بھگوان کی جائے, ستیہ نارائن بھگوان کی جائے, باقی بہاری لال کی جائے, وٹھل رکمنی بھگوان کی جائے. प्रार्थनापुर का नमस्कार समर्पयामि कुलस वरुण देवताभ्यो नमो नमः. अनेन कृतेन पूजनार्थं कर्मणाः वरुणादिदेवाः प्रियन्ता नमः. एक चम्मच पानी लो, भगवान को जो पूजा की वो अर्पित करो. हे भगवान जो मैंने पूजा की आपको अर्पित कर रहा हूँ उसका अच्छे से अच्छा आप मुझे रिजल्ट देंगे ये मैं जानता हूँ. हे भगवान मेरी पूजा स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो. हाँ बोलो अनेन पूजनेन भक्ति भाव समर्पितेन लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर ब्रह्मा सरस्वती प्रियंदा नमः. थाली में छोड़ दो. अभी चलो अब हम उसके आगे दूसरी पूजा करेंगे माता रानी. माता रानी की करेंगे बस उसी पाठ के ऊपर है दोबारा गाजी में पाठ सीताराम. ओ पंडित जी आगे में बताओ क्या से लगे वो सोलह मात्र का भी पूजा करना. हाँ उनको बता दीजिए सोलह मात्र का भी पूजा. पंडित जी बताइए जो स्वास्थ्य बना हुआ है उसमें चार चार जगह अनेक कलर के चावल रखे हुए हैं पुंज. वो आपकी कुल देवी है षोडश मातृका और सप्तघृत मातृका है. ऐसे 23 देवियों का पूजन करना है. आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर में मांगलिक कार्य हो, आपका जो भी व्यापार बिजनेस नौकरी है उसमें सब सुख शांति प्रदान हो ऐसा माँ से प्रार्थना करते हुए अपने कुल देवी की भी पूजा करेंगे. इस तरह से हाथ में अक्षत ले लीजिए फूल ले लीजिए. अभी पहले कुल देवी की पूजा क्यों करना है क्यों करनी चाहिए. हम पूजा करते हैं तो कुछ पूजा में हमारी कुल देवी क्योंकि कुल देवी माता ने हजारों लाखों वर्ष पहले कुल देवी माता ने हमारे कुल को बचाया था. क्या किया था हमारे कुल को बचाया था क्योंकि हजारों साल पहले पृथ्वी पे राक्षस बहुत ज्यादा थे. वो मनुष्य को मार डालते थे उनको खा जाते थे उन पे अत्याचार करते थे. तो सभी भगवान लोग शिव जी के पास गए और प्रार्थना की प्रभु आप कुछ कीजिए ये तो मनुष्य लोग का खात्मा हो जाएगा. तब प्रभु जी ने ये बात माता जी से कही और माता जी ने खुद सुना कि प्रभु ध्यान रहे मैं जन्म लूंगी और अपने बच्चों को बचाऊंगी. तो पार्वती माता ने उस समय अलग अलग नाम से जन्म लिया. कहां गांव देवी कहां अम्बा माता कहां तुलजा भवानी कहां वैराही कहां सप्तशुंगी. इस तरह पार्वती ने अनेक जगह पे नए नए नाम से जन्म उनके हाथ में त्रिशूल होगा और लाल लाल चूड़ी चुनरी पहनी ही होगी. वो कुल देवी माता ने राक्षसों को बचाने के लिए उस समय जन्म लिया. सब राक्षसों का वंश किया वंश को निर्मूल किया. आज भी हमारे आसपास कुछ ऐसे राक्षस है आसपास अड़ोस पड़ोस में कुछ राक्षस है कुछ सगे संबंधियों में कुछ राक्षस है कुछ राक्षस हमारे मित्रों में है कुछ राक्षस जो हमें आगे बढ़ने में उंगली करते हैं.
और ऐसी उंगली करते हैं कि हम आगे बढ़े नहीं जाते और उनका उंगली करना बंद तो होगा ही नहीं पर उसे हमें भी बनना पड़ेगा तो उसका वंश बदवंश करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमेशा माता की शरण में जाना पड़ेगा उसी तरह हमारे और भी राक्षस हमारे पास है जो रोग रूपी है जो विचार रूपी है जो विचार रूपी है वो भी खतरनाक स्थल वो होते हैं जो रोग रूपी होते हैं वो भी खतरनाक होते हैं समझ में आई तो ये सारे शत्रु को तोड़ मरोड़ कर खास कर दे हे माँ और मेरी जिंदगी का उद्धार कर हे विजय नाम की देवी मेरा विजय कर हे श्रद्धा नाम की देवी मेरे में श्रद्धा भर के हे दया नाम की देवी मेरे अंदर दया भावना रख समझ में आई हे लक्ष्मी नाम की देवी मुझ में लक्ष्मी दे हे शक्ति नाम की देवी मुझे शक्ति दे इसमें सभी प्रकार की देवी बैठी है विजय विजय नाम की देवी शक्ति नाम की देवी विद्या नाम की देवी बरोबर है तुष्टि पुष्टि नाम की देवी अन्नपूर्णा देवी ये सारी देवियां तुम्हारे घर के अंदर बैठी है तो हमें उस देवियों से आशीर्वाद मिल रहा है ऐसा हमें रोज सोचना है अगर हमारा बच्चा कुछ काम करने अच्छे जा रहा है तो हमें विजय की भावना देनी चाहिए उसे विजय तिलक करते हुए जा तू सफल होगा हाँ ऐसा बोलना चाहिए अगर हम बोलेंगे तुझे काय नहीं होना तो वो बोले देवी तथास्तु वो देवी का ऐसा हाथ पकड़ ऐसा घूम जाएगा वो बोले काय नहीं समझ में आ रही है तो हमें विजय करना है तो विजय की भावना रखनी पड़ेगी श्रद्धा भी अपनी श्रद्धा मन में श्रद्धा रख विचार रख तेरा अच्छा होगा और तेरे जीवन में आगे बढ़ेगा चलो तो आज हम देवी की पूजा करेंगे हमारे शत्रुओं को दूर होने के ये प्रार्थना करेंगे आपने पूजा वाले ओम कुलदेव्य नमः आइए मेरे नंदन सरस्वती मंगल प्रभु चंदे सप्तलो गुरुदेवी माँ जय समर्पयामि समझाओगे तुम क्या कर रहे हो पैर धो रहे हो हाथ धो रहे हो मुंह धो रहे हो पानी पिला रहे हो
बरोबर वरना उसको यही लगेगा कि बस चार चम्मच पानी छोड़ देना है स्नान करा रहे पंचामृत स्नानम समर्पया समर्पया पीत चैव मधुशुक्रायगम पंचामृतमया निरस्तारम प्रतिक्रियता चलो हल्दी वाले पानी से स्नान कराओ हल्दी से स्नान कराओ ओम वसो ओम पवित्रमसि सदधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देव स्वाधा विदा पुना चलो एक 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 खा रहे अभी एक 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 अभिषेक करो उनसे चम्मच से पानी डालो चलेगा एक एक चम्मच पानी डालते हुए अभिषेक करते जाओ ओम कुलदेवी नमः क्या बोलोगे ओम कुलदेवी नमः और कुलदेवी का हाथ ऐसा है कैसा है कुलदेवी का हाथ ऐसा है उसमें से एक किरण आ रही है वो किरण हमारे पे आ रही है हमें ताजगी दे रही है हमारे काम अच्छे बना रही है ऐसी हमें कल्पना करते हुए ओम कुलदेवी नमः ओम कुलदेवी नमः कुलदेवी दिखनी चाहिए नमः चलो चलो कुलदेवी जाओ कुलदेवी नमः ओम कुलदेवी नमः थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाए Oh,
Oh!
ديبم درسيامي ابي
हाथ धो लीजिए हस्त प्रक्षाल हाथ धोइए चंद्र जल में फल ले लीजिए आपके पास में फल होता है फल लीजिए माता को फल को जोड़ा लिए और माता जी को फल खिलाने की भावना रखो ये देवी माँ हमारी पूजा में आई है हमारे हाथ से फलाहार स्वीकार करो ऐसे माता जी से भाव करते हुए बोलो ओम देवी माते प्यो नमः शकरार गंध खाद्यानि निर्जिप्तानि च को फल खिला रहे हैं वैसा सोचते हुए एक एक टुकड़ा माता जी को खिला रहे हैं एक हाथ मुंह के सामने रखो एक हाथ हृदय पूर्वक माता जी को खिलाने की भावना करो रखो फूल पाठ एक एक टुकड़ा खिला रहे हैं वैसे भाव करते हुए माता जी को खिलाओ ओम पीछे पांच मगज गिलाओ ओम प्राणायाम स्वाहा बनाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा बनाय स्वाहा बनाय स्वाहा देवी माती भोजिताम 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 परमेश्वर भोजिताम भोजिताम समर्पयामी आग बंद करो माखारी कल्पना करो शांति 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 चार चम्मच पानी लो एक चम्मच चारों चार माता जी को दिखा के थाली में छोड़ो एक चम्मच से हाथ धुलाओ एक चम्मच से पैर धुलाओ एक चम्मच से मुंह धुलाओ एक चम्मच से पानी पिलाओ इतना पोषण समर्पयामि हर्ष प्रक्षालन समर्पयामि मूर्त प्रक्षालन समर्पयामि चलो माता जी को हमने हाँ खाया गया फिर से उपवास दो ओम पुंगी फलम महादिव्यम नाग वल्लीर दलेरितम एलाल चोर संयुक्ता गोलाम प्रदे ग्रहीरता तांबुल कर दीजिए या पान कीजिए अभी दक्षिणा के आपने चावल चढ़ाइए ओम हिरण्य गर्भ गर्भस्थ चलो माता जी को हमने दक्षिणा भी चढ़ा दी बरोबर अब हम माता जी की आरती उतारेंगे चलो माता जी की आरती उतारो ओम कुल देवी माती हेलो अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे छप्पर वाली
Thank you.
बिहारी त्रिपुरा सुरा परमई माता कुमारी शर्मी अम्बा शंभवी चंद्रवाली रमणा उमा पार्वती सावित्री नव योगना शुद्धरी साम्राज लक्ष्मी बला चित्रवा दीवता भगवती श्री राज राजेश्वरी तो आज का ये जो आप प्रसारण देख रहे हो स्टैंड है ना, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं लगाओ, ये काहे के लिए है? ये लाइट का था, निकल के लगता है। जय जय श्री सीताराम। पहले ये जो है क्या 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 बोले तो चापा पे जाना ठीक है।